और चलिए बात कर लेते हैं अगली खबर की। कोरोना की दूसरी लहर के प्रकोप के चलते प्रदेश में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को रद्द करते हुए करीब 21 लाख विद्यार्थियों को प्रमोट करने का फैसला लिया गया है, लेकिन अभी तक उच्च शिक्षा की परीक्षाओं को लेकर सरकार की तरफ से कोई फैसला नहीं किया गया, जिसके चलते करीब 20 लाख परीक्षार्थियों को मन में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कोरोना महामारी में राजस्थान विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों की परीक्षा होगी या नहीं, इसको लेकर अब तक कोई फैसला नहीं हुआ। हालांकि परीक्षाओं पर निर्णय के लिए उच्च शिक्षा विभाग की तरफ से एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया था, जिसको परीक्षाओं पर मंथन करने के लिए 15 दिन का समय दिया गया था। 10 जून को यह समय पूरा होने जा रहा है और कमेटी द्वारा उच्च शिक्षा विभाग को अपनी रिपोर्ट 10 जून को सौंपनी है, जिसके बाद से उच्च शिक्षा मंत्री और उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा रिपोर्ट पर मंथन करने के बाद इसको सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जिसके बाद सरकार द्वारा परीक्षाओं पर अंतिम फैसला भी लिया जाएगा। सरकार से निवेदन है कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की परीक्षा को रद्द करके फाइनल ईयर की परीक्षा आप करवा सकते हो, और वो भी ऑनलाइन ओपन बुक एग्जाम आपको करवानी होगी, क्योंकि अभी तक सभी नेता मंत्रीगण सभी ऑनलाइन जो वो मीटिंग है वो ले रहे हैं, मास गैदरिंग वो कर नहीं रहे। तो आप विद्यार्थियों की मास गैदरिंग क्यों करना चाहते हैं? तो आपके चैनल के माध्यम से सरकार से हमारी यही मांग है कि आप फाइनल ईयर की एग्जाम है वो ओपन बुक एग्जाम करवाइए और विद्यार्थियों के जीवन के साथ खिलवाड़ न करें। हम सरकार से ये मांग करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि विद्यार्थियों के हित में फैसला लेकर उनके भविष्य को देखकर कोई फैसला ले सरकार, ताकि विद्यार्थियों का भविष्य भी अंधकार में ना जाए और विद्यार्थियों को सुरक्षित जीवन मिल सके।